यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले व नई चीज़ों की तलाश में यूट्यूब पर सर्च करने वाले साथियों, आप सबको नमस्कार। साथियों, श्रमिक संगठनों ने एक बहुत बड़ी मांग सरकार से की है। उस मांग में जो है उन्होंने न्यूनतम 20,000 रुपये महीना और 6,000 रुपये महीने की पेशकश की है। पेशकश किस तरह से किया गया है, कौन कौन से संगठन साथ में आए हुए हैं, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, आप हमारे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में एक छोटा सा निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के जो असंगठित मजदूर हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं या गाँव में नरेगा में जाम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर इतनी अच्छी है कि इसको आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत ही बेहतर खबर है। आप देख सकते हैं कि ये खबर हिंदुस्तान पेपर से है और उन्होंने लिखा हुआ है साफ तौर पर, मैं इसे हेडलाइन करके दिखा रहा हूँ, अंडरलाइन करके, कि श्रमिकों संगठनों की मांग 6,000 रुपये महीने पेंशन और 20,000 रुपये का न्यूनतम वेतन की मांग की है। ये समाचार जो है 15 जून 2019 का है, यानी साथियों एक दिन पहले का ये समाचार है। मैं आपको समाचार एक दिन लेट पहुंचा रहा हूं। क्या हुआ है इसमें, क्या मांग रखी गई है, मैं सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। बस हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। क्या है पूरा मामला, आप देखिए कि पेपर कटिंग में निकला हुआ है, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शनिवार को न्यूनतम वेतन को बढ़ा करके 20,000 रुपये करने तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत साल में कम से कम 200 दिन काम करना सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 6,000 रुपये महीने की मासिक पेंशन देने की मांग की है। बजट पूर्व बैठक में यूनियन ने वेतनधारी एवं पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए 10 लाख रुपये तक की आमदनी को आयकर की सीमा में से बाहर रखने की मांग की है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आयकर की सीमा को बढ़ा करके 8 लाख रुपए रखने की मांग की है। करीब दर्जन भर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त एवं कॉरपोरेट मामले में राज्य के मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बजट पूर्व बैठक की। इस दौरान उन्होंने लाभ कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों, निजीकरण एवं निवेश को लेकर के देश भर में अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने साथ में ही रोजगार सृजन पर जोर देने की बात कही। बैठक में उन्होंने कुछ यूनियन के नेताओं, मंत्री निर्मल सीतारमण की अनुपस्थिति को लेकर के नाखुशी जाहिर की। साथ में सीतारमण के नीति आयोग एवं संचालन परिषद की बैठक हिस्सा लेने के कारण ठाकुर ने बताया कि अध्यक्षता की ऑल इंडिया ट्रेड यूनिवर्सिटी कांग्रेस UITU महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमें बजट पूर्व विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन हमारी बात राज्य मंत्री से हुई। उन्होंने बातचीत को 4 व्यापक बिंदुओं पर सीमित रखने की कोशिश की। ये 4 पहलू श्रमिक संरक्षण, कौशल विकास, रोजगार और वेतन से जुड़े हुए मामले थे। तो साथियों, पूरी चीज़ को मैंने आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी समाचार और भी है साथियों, जो भी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी अभी हाल में ही हुई अपने कार्यभार को संभाला हुआ है, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग कराई गई, लेकिन वह अनुपस्थित रहीं और उनसे मांग की गई, अपनी बात को रखा गया कि श्रमिक संरक्षण पर जोर दिया जाए, साथ में ही कौशल विकास को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाया जाए कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और रोज़गार और वेतन को लेकर के वेतन के साथ साथ न्यूनतम जो है उनकी तनख्वाह को लेकर के, पैसे को लेकर के भी बात की गई कि जो उनका न्यूनतम वेतन हो वो 20,000 रुपये से कम ना हो। बहुत सारे फैक्ट्रियों में, कारखानों में या संगठित जगहों पर जो मजदूर काम करते हैं वहाँ 5,000, 7,000, 10,000 तक की जो है उनको वेतन मिलता है, तो उस वेतन को 20,000 रुपये किया जाए और
राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, यानी जो देहात क्षेत्रों में स्कीम चलती है जिसे हम नरेगा कहते हैं, उसमें कम से कम 200 दिनों का रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार अगर नहीं दिया जा रहा है तो न्यूनतम कम से कम उनको 6,000 रुपये महीने की मासिक पेंशन तय की जाए। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, हम सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने अपनी बिंदुओं को रखा हुआ है 200 रुपये का न्यूनतम वेतन और 600 रुपये का न्यूनतम मासिक पेंशन, मनरेगा की तरह 200 दिन के लिए तय रोजगार की बात को उन्होंने रखा हुआ है। ये हमारी जो सरकार है उस सरकार के लिए काफ़ी परेशान करने वाली और काफ़ी सोचने के लिए विवश की हुई है। इस को अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारे देश के जो भी दबे कुछ के इलाकों के देहात क्षेत्रों के या शहर में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरी बात होगी। साथियों, समाचार अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे सबको जानकारी हो सके कि श्रमिक संगठन भी हम लोगों के लिए कोई काम कर रहा है। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पर क्या समीक्षा हुई, क्या निर्णय आया, मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।